हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम खेलने वाले हैं डेनिजन। तो जैसे ही अपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हमने पिज्जा शॉप पे एक छोटी सी जॉब हमने स्टार्ट की थी, उससे थोड़ी बहुत अर्निंग भी की थी। आज हम लोग यही जर्नी को आगे लेके जाएंगे और आज हम ओपन करने वाले हैं एक और बिजनेस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट में है। सो हम लोग फटाफट से थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टॉयलेट के बाद हमारा हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद जैसे ही हम लोग हैंड वॉश कर देंगे हम लोग शावर ले लेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग पूरे फ्रेश हो चुके हैं। हमें थोड़ी सी अभी भूख लग रही है तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं हमारी इन्वेंट्री में। ओके, इन्वेंट्री में गाइस हमारे पास ये है, तो क्या हम ये मूव यूज़ भी नहीं कर सकते? नॉन कंज्यूमेबल, आई थिंक हमें माइक्रोवेव में रखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो माइक्रोवेव में हमने वो रख दिया है। हम लोग तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ओके, सो हमारा फूड बनके रेडी है जो कि अभी हम लोग यहाँ पे खा लेते हैं। ओके गाइस, सो परफेक्ट, हम लोग पूरे फ्रेश हो चुके हैं। अभी हम लोग चलते हैं बाहर, डोर बंद कर देते हैं। पता नहीं, इसमें लॉक सिस्टम नहीं है गाइस, अगर कोई भी बंदा दूसरा भी आ जाएगा तो वो आराम से अपार्टमेंट में जा सकता है। ठीक है, हम लोग स्टेयर्स का इस्तेमाल करेंगे गाइस। थोड़ा सा हम लोग हेल्थ फ्रीक है तो लिफ्ट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। सो गाइस, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक अपडेट देना चाहता हूँ कि ऑस्टिन की शॉप से हमने एक एडिशनल टास्क यहाँ पे लिया हुआ था, सेकेंड टास्क था, जो कि वो इनलीगल टास्क हमें देता है, बट उसके सामने काफी ज्यादा हमारी इनकम होती है। कभी कभी जब भी हमें थोड़े से पैसे की जरूरत होगी हम लोग ऑस्टिन से थोड़े से टास्क लेंगे और वो चीज कम्प्लीट करने का ट्राई करेंगे। ओके गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। अभी हम लोग डायरेक्टली चलते हैं ऑस्टिन की शॉप पे। ओके गाइस, सो अभी हमने ऑस्टिन से एक और टास्क ले लिया है जो कि हमें एक व्हीकल है उसके बैकयार्ड पे हमें उसको लेके आना है और वो ऐसा बोल रहा है कि वो व्हीकल हाईवे पे कहीं पे होगा। तो गाइस, और गाइस मुझे ये चीज़ एक पता चली कि हमारे पास एक कार भी है जो कि हम लोग ये एक्सेस कर पाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गेम वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम कर दिया है ताकि मेरा जो कमेंट्री है आपको और ठीक से सुनाई दे। सो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है। ओके, सो बट हमारी कार में अभी गाइस पेट्रोल काफ़ी है तो अभी हम लोग पेट्रोल नहीं करेंगे। और ये है फुल कोट। ओके, पेंट एंड बॉडी शॉप गाइस, तो हमारे कार के लिए पेंट एंड बॉडी शॉप यहाँ पे है। सो कभी भी अगर हमें कुछ भी चीज़ अगर रिपेयर करवानी हो या अपग्रेड करवा। ओके 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 गाइस, सो यहाँ पे रास्ता बंद हो रहा है सो हमें यहाँ से वापस मुड़ना पड़ेगा। आई थिंक जहाँ पे हमें जाना है वो टाउन के दूसरी ओर है। सो गाइस, मैं ये बता रहा था हमारे टाउन में एक बॉडी शॉप भी है, तो कार पे अगर कोई भी चीज़ हमें रिपेयर करवानी है या अगर उसका कुछ भी अपग्रेड करना है तो हम लोग वहाँ पे जाके कर सकते हैं। सो गाइस, हम लोग फटाफट से चलते हैं यहाँ पे हमारे टाउन की दूसरी साइड और एक्सप्लोर करते हैं कि हमें जहाँ पे जाना है वो जगह कहाँ पर अवेलेबल है। ओके गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे हाईवे पे आ चुका हूँ बट पता नहीं मुझे कोई भी लोकेशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अगर एक मिनट, एक बिल्डिंग मुझे यहाँ पे दिखी है ये बिल्डिंग। ओके, एक राइट साइड पे यहाँ पे भी एक बिल्डिंग है बट वो बाद में देखते हैं, पहले ये बिल्डिंग हम लोग देख लेते हैं। ये बिल्डिंग क्या है? यहाँ पे हम लोग हमारा व्हीकल पार्क कर सकते हैं। ओके ओके गाइस, तो ये एक वेयरहाउस है जहाँ से हम लोग शॉपिंग कर पाएंगे। तो आई थिंक गाइस, अगर आपको पता होगा हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन भी अवेलेबल है जहाँ पे से हम लोग रेंट कर सकते हैं एक शॉप। ये रहा गाइस, हम लोग ये एक शॉप रेंट कर सकते हैं जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें बेच सकते हैं। सो गाइस, अभी हमें यहाँ पे वेयरहाउस मिल चुका है कि शॉप ओपन करने के बाद हमें इन्वेंट्री कहाँ से भरनी है।
सो हम लोग यहाँ पे बहुत जल्द वापस आएंगे गाइस, थोड़े बहुत पैसे हो जाए। ये एक लोकेशन देखना है मुझे, सो यहाँ से हम लोग फटाफट बाहर निकलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या गाइस। यहाँ पे एक चीज़ पड़ी हुई है बट उसका एक्सेस, ओके गाइस यहाँ पे से उसका एक्सेस हो पाएगा तो ये डोर ओपन करते हैं हम लोग। हमारा पहला लॉक पिक टूट चुका है, ओके गाइस सो अभी ये डोर ओपन हो चुका है तो फटाफट से अंदर चलते हैं और देखते हैं हम लोग को हमें क्या चीज करनी है। स्टोरेज, ओके हमें गाइस हम लोग लूट भी कर सकते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीजें। ओके हमें गाइस यहां से भी बहुत सारी चीजें मिल रही है और हमारा मेन टास्क, हम लोग यहां से नहीं जा सकते, ये एक डोर लॉक्ड है। आई थिंक हमें यहां जाना, ओके हमें गाइस यहां पे ही जाना है और क्या चीज गाइस हम लोग जितनी भी चीजें यहां से मिल रही है वो सारी की सारी चीजें यहां से ले लेते हैं, टेक ऑल। और कोई चीज नहीं, और कोई चीज तो हम नहीं ले पाएंगे ये डोर। ओके गाइस तो ये ट्रेलर जो है वो हमें ऑस्टिन को डिलीवर करना है बट वो ये ओपन तो ओके यहाँ से आई थिंक वो ओपन हो पाएगा टर्मिनल। ओके गाइस तो हमने पहली ही बारी में ये खोल दिया है अभी। ओके हम लोग डोर ओपन करते हैं, परफेक्ट, और डोर ओपन हो गया है तो आई थिंक हमें हमारी कार यहाँ पे अंदर लानी है। ओके सो अभी हम लोग को कार रिवर्स में डालनी है यहाँ पे। ओके हम लोग गाइस एकदम धीरे से ये काम करेंगे। ओके ये अटैच हो चुका है, यस गाइस ये अटैच हो चुका है, अभी फटाफट से ये चलते हैं ऑस्टिन की शॉप पे और ये उसको डिलीवर करते हैं और थोड़े से और पैसे कमाते हैं, लेट्स गो गाइस। सो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं यहाँ पे ऑस्टिन की शॉप के बैकयार्ड पे। सो यहाँ पे मुझे वो डिलीवर करना है, ओके वो मैंने डिलीवर यहाँ पे कर दिया है तो मैं फटाफट से यहाँ पे चलता हूँ ऑस्टिन की शॉप पे और गाइस ये टास्क जो हमने किया है उसका पेमेंट लेते हैं। ऑस्टिन भाई मैंने वो आपका काम कर दिया है सो मेरा पेमेंट, ओके गाइस सो अभी हमारे पास देख रहे हो $1,023 हो चुके हैं। सो गाइस ये काम के लिए भी हमें काफ़ी अच्छे पैसे मिले हैं ऑस्टिन से। सो अभी हम लोग गाइस दो नंबर का काम अभी नहीं करने वाले क्योंकि अभी आई थिंक हमारे पास इनफ पैसे हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये कार को सबसे पहले मैं पार्क करता हूँ अपने अपार्टमेंट के सामने। सो हम लोग फटाफट से यहाँ पे हमारी कार है वो यहाँ पे पार्क करते हैं। सो अभी हम लोग हमारा मोबाइल ओपन करते हैं जिससे मुझे परचेस करनी है शॉप, रेंट करनी है एक रिटेल स्टोर। सो यहाँ पे चलते हैं 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, आई थिंक गाइस अभी हम लोग 3 दिन के लिए रेंट कर रहे हैं $150 में। ओके ऑटो रिन्यू अभी हम लोग ऑफ रख रहे हैं, उसके बाद ऑन कर देंगे। सो मैं फटाफट से देखता हूँ हमारा शॉप कौन सा है, ये शॉप, ओके गाइस सो ये रहा हमारा रिटेल स्टोर। सो फटाफट से अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या चीजें है हमारे लिए यहाँ पे। ओके सो रेसिंग गेम्स, स्पोर्ट्स गेम्स, एडवेंचर गेम्स, एक्शन गेम्स, सो आई थिंक गाइस हम लोग की गेमिंग शॉप है। ये पीसी हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, डोर ओपन करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा डोर भी अवेलेबल है वो चेक करते हैं क्या चीज है। बैकयार्ड हमारा ठीक है, सो वो जो भी हम लोग सामान लाएंगे वेयरहाउस से वो सारा लोड करने के लिए जगह है। यहाँ पे एक और लैपटॉप दिया गया है, सो ओके गाइस आर से हमें रिटेल शॉप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग स्टोर का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, यस सो ऐशबा गेमिंग हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं, ठीक है ओपन। ओके गाइस सो हमें सबसे पहले सारी प्रोडक्ट्स वहां से लानी पड़ेगी, स्टॉक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग शॉप ओपन कर सकते हैं। सो फटाफट से हम लोग हमारी कार यहां से लेते हैं और चलते हैं वेयरहाउस पे सामान लेने के लिए। ओके गाइस सो अभी हम लोग यहां पे आ चुके हैं, फटाफट से हमारी कार यहां पे पार्क करते हैं लोडिंग एरिया में
और वीडियो गेम्स में ओके हमारे पास अप्लायंसेस भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है जो कि बहुत महंगा है। हमारे पास उतने ज़्यादा तो गाइस पैसे नहीं है, तो हम लोग वीडियो गेम्स से ही स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, ये एक एक बॉक्स सारे एक्शन गेम्स, एडवेंचर गेम्स, रेसिंग गेम्स, स्पोर्ट्स गेम्स और रोल प्लेइंग गेम्स, ठीक है, हम लोग ने कार्ट में ऐड कर दिया है। बट हमारी कार्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमें कार्ट में से कुछ चीज़ यहाँ पे डिलीट करनी पड़ेगी। सो हम लोग एक काम करते हैं, रोल प्लेइंग गेम्स जो है वो अभी यहाँ से निकाल देते हैं। ओके फाइन परफेक्ट गाइस, चेकआउट, हम लोग के पास काफ़ी ज़्यादा आइटम्स आ चुकी है। फटाफट से हम लोग चलते हैं हमारी शॉप पे और ये सारा का सारा सामान लोड करते हैं और हमारी शॉप को ओपन करते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा अनलोडिंग एरिया है जहाँ पे हम लोग स्टॉप होंगे और सारा का सारा माल जो है वो सारा का सारा लोड करेंगे हमारी शॉप पे। चलो गाइस फटाफट से अभी यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं और हमारी शॉप पे चलते हैं। ओके गाइस, सो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और अब जैसे देख रहे हो गाइस हमारी शॉप ओपन हो चुकी है आशिमा गेमिंग की। सो फटाफट से गाइस अंदर चलते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे सेल्स में सारी गेम्स आ चुकी है बट कोई कस्टमर। ओके गाइस, हमें आई थिंक हमें यहाँ से स्टोर ओपन करना पड़ेगा। स्टोर का टाइम है 10 से 19, ठीक है, हम लोग शॉप ओपन करते हैं। और गाइस शॉप ओपन करने के साथ कस्टमर्स आ चुके हैं। सो भाई लो क्या चाहिए, देखो देखो बहुत ही सही गेम्स आई हुई है, एडवेंचर गेम्स है। ये एम्प्लॉय कहाँ से आ गया, एक मिनट में यहाँ पे चेक करता हूँ। सो गाइस एक एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट थी जो कि ऑलरेडी हमने हायर कर दिया है, $10 आर्ली वेजेस पे, जो कि यहाँ पे हमारा सारा स्टॉक यहाँ पे लग चुका है। $30 में हम लोग अभी बेच रहे हैं और उसके बाद क्या हम प्रमोशंस लगा दे यहाँ पे। सो गाइस क्या लगता है आपको, हमें प्रमोशन लगाना चाहिए यहाँ पे? मैं एक काम करता हूँ गाइस, एक्शन गेम्स जो है वो $35 का कर देता हूँ और उसमें मैं 5% का डिस्काउंट दे देता हूँ यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन। क्या मुझे एडवर्टाइजिंग कैंपेन, चलो छोड़ो अभी एडवर्टाइजिंग कैंपेन हम लोग स्टार्ट नहीं करते, देखते हैं कि हमारा सेल कैसा रहता है। और बहन जी क्या चीज़, क्या चीज़ लेने आए हो, कौन सी गेम आप देख रहे हो? ओके रेसिंग गेम्स यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी गेम है गाइस, खेलो ये वाली। और दीदी जी आप क्या चीज़ लेने आए हो यहाँ पे, स्पोर्ट्स गेम। ओके ओके ठीक है, आराम से टाइम लेके यहाँ पे देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं यहाँ पे फिर से एक बार मैं मेरा सेल चेक करता हूँ जो कि अभी तक कुछ भी रेवेन्यू नहीं हुआ है। ठीक है गाइस, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, जब तक ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं हमारा शॉप ऑलरेडी ओपन हो चुका है, सो क्यों ना तब तक जाके मैं पिज्ज़ा स्टोर था उधर मैं एक शिफ्ट कम्प्लीट करके आ जाऊँ। मुझे सबसे पहले मोबाइल देखना पड़ेगा शिफ्ट अवेलेबल है कि नहीं। सो चलते हैं हमारे जॉब्स पे, पिज्ज़ा और अवेलेबल शिफ्ट है 11 to 15। ये गाइस तो शिफ्ट अभी ख़त्म हो चुकी है, 16 वाली शिफ्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट से हमारा शिफ्ट का टाइम हो चुका है तो अंदर चलते हैं। ओके गाइस, तो फिर से अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं पिज्ज़ा शॉप पे जो कि हमारा, हम लोग जहाँ पे जॉब करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर आया है हवाई पिज़्ज़ा का, तो स्पेशल सॉस यहाँ पे डालना है, मोज़रेला डालना है, बाद में उसके बाद हैम, ओके हैम डालना है, बैकन डालना है और पाइनएप्पल। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे हमारा पहला पिज़्ज़ा यहाँ पे अवन में रख दिया है। ओके सो हमारी टोटल अर्निंग है $123। ओके गाइस, सो अभी यहाँ पे हमारी शिफ्ट कम्प्लीट होती है, फटाफट से हम लोग रिटेल स्टोर देखते हैं कि आज हमने टोटल आइटम्स सोल्ड 3, ओके टोटल रेवेन्यू $90 का रेवेन्यू हमने जनरेट किया है। हमारा जो आज का दिन है गाइस वो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। सो फटाफट से एक काम करते हैं, हम लोग घर पे चलते हैं। और गाइस हम लोग कल एक और चीज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे हमारा जो प्रमोशंस है वो प्रमोशन रन करने का ट्राई करेंगे कि अगर प्रमोशन रन करने पे अगर कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। बट मेरे पैसे यहाँ पे
क्रेडिट क्यों नहीं हुए? सो गाइस पता नहीं मेरे यहाँ पे पैसे क्रेडिट नहीं हुए हैं अकाउंट में जो भी मैंने सेल किया, ठीक है वो देखते हैं जाके हम लोग सोते हैं। ओके सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे उठ चुके हैं तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे पहले फ्रेश होते हैं। अभी हमने पूरा खाना खा लिया है, पानी पी लिया है, फ्रेश हो गए, अभी फटाफट से चलते हैं हमारे इस शॉप पे। ओके गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे हमारी शॉप पे। ओके एक्शन गेम नहीं भी की तो मैं काम करता हूँ ये $30 कर देता हूँ और प्रमोशंस अभी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन यहाँ पे रन करूंगा जो कि है $50 का। जो कि गाइस मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि अगर ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन अगर हम लोग रन करते हैं तो कितना हमें बेनिफिट होता है उससे। तब तक मैं गाइस सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग वेयरहाउस पे चलते हैं और आई थिंक एक गेम की कैटेगरी थी जो कि अभी भी हमें लेनी बाकी थी तो वो हम लोग लेके आते हैं। यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, रोल प्लेइंग गेम एड टू कार्ट करनी है, $200 की वो परचेस करनी है, ठीक है हमारे पास आ चुका है, फटाफट से चलते हैं हमारे शॉप पे। ओके गाइस सो अभी हम लोग यहाँ पे शॉप पे आ चुके हैं और मैं ये सारी की सारी गेम्स अंदर लोड कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। सो अब भी हम लोग ये हमारी जो कार है वो पार्क करते हैं शॉप के सामने और फटाफट से चलते हैं स्टोर के ऊपर। ओके गाइस सो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं एशबा गेमिंग पे जो कि हमारी न्यू कैटेगरी थी रोल प्लेइंग, वो कहा आई थिंक वो ये रही सारी गेम्स, सागा गेम आई हुई है मार्केट में, ठीक है अभी हम लोग उसकी प्राइस भी $30 ही रख रहे हैं, अभी हम लोग गाइस प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि कौन सी प्राइस पे गेम्स बिकती है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ मेरे पास अभी प्रमोशन के लिए भी पैसे नहीं है तो क्या मैं ऑस्टिन की शॉप पे जाके अगर उसके पास कोई टास्क है तो मैं इसको एक बार पूछना चाहूँगा। ओके ऑस्टिन भाई कोई काम हो तो बता दो। ओके अभी ऑस्टिन के पास भी गाइस कोई भी काम नहीं है। मैं यहाँ पे एक शॉप पे आ चुका हूँ तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है। ओके सो हमें यहाँ पे अपैरल मिलेंगे, यहाँ पे फर्नीचर भी खरीद सकते हैं। क्या प्राइस? ओके $50 की प्राइस है, ठीक है। हार्डवेयर खरीद सकते हैं, लॉकपिक तो हमने ऑलरेडी यहाँ से गाइस ली हुई है। इन्वेंटरी ओके तो क्या मैं चीज़ यहाँ पे कुछ सेल कर सकता हूँ? सो गाइस मैं सिगरेट हम लोग बिल्कुल नहीं पीते गाइस, आई हेट स्मोकिंग। सो एक काम करते हैं हम लोग फटाफट से यहाँ पे सारी सिगरेट से वो बेच देते हैं। क्या हमने लॉकपिक बेच दी? ओके हमने आई थिंक लॉकपिक बेच दी। सो यहाँ पे सेल ओके गाइस सो हमने यहाँ पे सेल कर दिया है और एक डीओ स्प्रे भी बेच दिया ताकि हमारे पास गाइस $50 हो जाए क्योंकि मैं आज प्रमोशन रन करने वाला हूँ कि प्रमोशन से मैं देखना चाहता हूँ कि प्रमोशन से हमारा कितना सेल होता है। सो गाइस अभी हमारे पास $51 हो चुके हैं गाइस, हमने हमारी सारी चीज़ें बेच दी है, हम लोग कोई भी चीज़ नहीं रखने वाले हमारे पास खाने पीने के अलावा, तो फटाफट से चलते हैं शॉप पे। ओके बट मेरी शॉप आई थिंक ओके गाइस मेरी शॉप यहाँ पर ही है, मैं गलत जगह पे चला गया था। ओके गाइस सो हम लोग आ चुके हैं अभी हमारी शॉप पे और आज हम लोग प्रमोशन रन करने वाले हैं, प्रमोशन भी यहाँ पे रन कर देता हूँ, देखते हैं गाइस प्रमोशन से आज हमें क्या फायदा होता है। A few moments later. पूरा शॉप खाली हो गया है मेरा गाइस, हमने सारी की सारी चीजें बेच दी है गाइस। सो यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो कि आज हमारा प्रमोशन बहुत अच्छे से काम किया और गाइस हमारे पास पैसे क्रेडिट हो चुके हैं जो कि है 1509। सो गाइस हम लोग फटाफट से चलते हैं हमारे वेयरहाउस पे और बहुत और सारी गेम्स लेके यहाँ पे आते हैं। ओके गाइस सो अभी फिर से हम लोग यहाँ पे वापस आ चुके हैं, हमने जितनी भी चीज़ें लाए थे वो सारी की सारी अभी शॉप पे लोड कर दी है। ओके गाइस सो यहाँ पे से सारी की सारी गेम्स से मैं वो $35 में बेचने का अभी ट्राई करूँगा। मैं एक दिन का एडवर्टाइजिंग बजट है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो गाइस क्विक अपडेट, आपको एक चीज़ बतानी है, जैसे कि आप देख रहे हो हमने आज 51 आइटम सोल्ड कर दी है, हमारा रेवेन्यू अभी तक हुआ है $1,785 और अभी गाइस मैं टाइम दिखाता हूँ, दिन के सिर्फ अभी 12:30 हुए हैं, अभी भी हमारे पास शाम के 7 बजे तक का टाइम है। सो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद और आज का कितना रेवेन्यू होता है
वो हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो हमारा टोटल रेवेन्यू हमने किया है $2,419 जो कि गाइस हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमने ये शॉप फिर से अभी ले ली है, अभी हम लोग फिर से वेयरहाउस में जाके पूरा शॉप हमारा भर देंगे और गाइस हम लोग बहुत ही जल्दी काफी ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं। तो गाइस ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो में मजा आया है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, ये वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस सब्सक्राइब करने से मेरी चैनल को काफी सपोर्ट मिलेगा, आप लोग काफी ज्यादा प्यार दे रहे हो मेरे वीडियोस को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ।